आ करो। क्योंकि जब तक पापा के चेस्ट में इन्फेक्शन रहेगा ना, तब तक पापा का ऑपरेशन नहीं होगा। इसकी रिपोर्ट भी आ गई है, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो पापा के लिए प्रे करना। और पापा ना सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके आराम से बढ़िया तरीके सोए हैं, और भाई इधर बैठ के ऑफिस का काम कर रहा है, उधर हिमांशु सोया हुआ है, और मैं इधर बैठा हुआ हूँ पापा के साथ में, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, मतलब पापा को देखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई वापस से आप सभी लोगों का एक नए दिन में स्वागत है। और मैं अभी आज उसी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन आज हमने अपना वार्ड चेंज कर दिया है। वार्ड चेंज कर दिया मतलब अभी तक जो हम एडमिट थे ना, वो न्यूरो और ऑर्थो वाले डिपार्टमेंट में थे, ऊपर वाले आपका सेकंड फ्लोर में। लेकिन जब से पापा के चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है ना, उसके बाद से डॉक्टर ने पापा को आपका श्वसन विभाग होता है ना, आपका फेफड़ों वाला विभाग, उस विभाग में आपको ट्रांसफ़र कर दिया हमारा जो केस था। क्योंकि जब तक पापा के चेस्ट में इन्फेक्शन रहेगा ना, तब तक पापा का ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम अभी तक दूसरी वाली बिल्डिंग में थे, अब हम दूसरी वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं। तो इधर ये वाली जो बिल्डिंग है, ये आपका श्वसन विभाग की बिल्डिंग है, मतलब फेफड़ों वाली बिल्डिंग है। तो हमारा केस किसी चेस्ट वाले डॉक्टर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो यहाँ पे पापा का इन्फेक्शन ठीक होगा। अभी आज पापा के चेस्ट की मतलब ब्लड की और चेस्ट में जो पानी भरा था, उन सब की टोटल रिपोर्टें ले ली गई हैं। लेकिन अभी एक हफ्ते तक, और न्यूरो वाले जो है ना आपका डॉक्टर शशांक जो हमारे पापा का न्यूरो वाला केस देख रहे थे, मतलब जो दिमाग डैमेज हुआ, जो ब्रेन डैमेज हुआ ना पापा का, उसके कल सीटी स्कैन करवाया था डॉक्टर साहब ने। शाम को आके बोला था कि आपके पापा कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं एक बार इनका सीटी स्कैन कर लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत निकली होगी, और चेक करेंगे कि दिमाग की कोई नस वस तो दबी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर से, क्लॉटिंग व्लॉटिंग तो नहीं है। तो कल उन्होंने आपका सीटी स्कैन भी किया पापा का। तो आज सीटी स्कैन की रिपोर्ट देख के उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है सर में, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बट आप इनको हफ्ते भर तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, मतलब देख रख करेंगे कि इनका व्यवहार कैसा रहता है। मतलब ये हफ्ते भर के अंदर कुछ होश में आते हैं, कुछ सेंसफुल बातें करते हैं, या वही मतलब बेमतलब की बातें करते हैं। तो हफ्ते भर तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो आज ये आपका पांचवा से छठा दिन है मेरा आपका बरेली में, और पापा की तबीयत में धीरे धीरे हल्का हल्का सुधार भी हो रहा है। तो अभी तक हम जिस बेड में थे ना, जिस रूम में थे, वहाँ पे तो ना आपका पूरा कमरा हमारा था, बट यहाँ पे ना हमारे साथ एक पेशेंट और रहेंगे, उनका कमरा ये है, और ये भी आपका फुली एसी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें हमको भी। मतलब जिस तरीके से आपका यूपी बरेली में गर्मी होती है ना, तो यहाँ पे गर्मी की दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ये मतलब वो आपका प्राइवेट रूम था, ये आपका सेमी प्राइवेट रूम है। इससे नीचे जो रूम होते हैं वो जनरल वाले रूम होते हैं, जहाँ पर मतलब एक रूम के अंदर 10 से 20 मरीज और रखे जाते हैं, बट यहाँ पर आपके दो मरीज रखे जाएंगे इस रूम के अंदर, एक अलग एक अलग। तो ऐसे पर्दे का मतलब पार्टीशन करके इस तरीके से रखा जाता है। और उस वाले रूम का जो किराया था वो था आपका 5,000, और इस वाले रूम का जो किराया वो है आपका 2,500। तो मतलब रेट भी आधा हो गया है, और क्या कहते हैं पेशेंट का भी मतलब रूम आधा आधा हो गया। वहाँ पे तो हमको मतलब काफ़ी कुछ मतलब बाथरूम सारी चीज़ें मिल रही थी, यहाँ पे हमको बाथरूम मिल रहा है। तो ये आपका वॉश बेसन है इधर, तो वॉशरूम काफ़ी ठीक है, नॉट बैड, सब कुछ है इसके अंदर बढ़िया है, सेपरेट है, मतलब इसमें मतलब किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब कि जो दो पेशेंट इस रूम में रहेंगे वो लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी फैसिलिटी यहाँ पे है ही। और आज ना हिमांशु की भी तबीयत खराब हो गई, सामने लेटा हुआ है, इसको ये बुखार आ गया आज, पापा को कल तक देख रहा था, आज का बुखार आ गया, खांसी भी हो रही है, और कमर भी टूट रही है, मतलब कहते हैं बदन टूटता है ना उस टाइप का। अभी मुझे आपका मेडिकल स्टोर जाता हूँ, और जाके हिमांशु के लिए भी दवा लेता हूँ, क्योंकि पापा की दवाई तो हॉस्पिटल से चल रही है, क्योंकि पापा को तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अब इसको हमें देखना पड़ेगा यहाँ बैठ के। इसके लिए जाके ना मैं मार्केट जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता हूँ, और भाई अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि काम भी चलता रहना चाहिए, तो पैसा आएगा तभी जाके सारी चीज़ें तरीके से होंगी। हॉस्पिटल से बाहर गया था एक मेडिकल स्टोर के पास, वहाँ से हिमांशु के लिए ना आपका बुखार की और खांसी की दवाई लेके आ गया, कि यार वो भी कभी आज से पहले ना कभी इतने लंबे समय तक कभी हॉस्पिटल में रहा नहीं होगा बेचारा। पिछले 15-17 दिन हो गए हैं वो लगातार मेरे साथ पापा के साथ हॉस्पिटल के अंदर ही है, और हॉस्पिटल ना मरीज और बीमारों को देख के ऐसे केस देख के ना आदमी वैसे इतना बीमार हो जाता है, फिर भी उसने 15 दिन से बेचारा लगातार हॉस्पिटल मेरे साथ में है ना। तो आज जाके पहली बार मतलब उसने बोला कि यार मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, फिलहाल अगर बुखार की दवाई से सब कुछ रिकवर हो जाएगा तो दवाई देते हैं। अभी एक काम और करना है पापा के लिए ना, सॉरी भाई के लिए, और अपने लेना खाना भी ले जाना। सुबह से ना 2 बज गया, हमने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि पापा के पीछे लगे हुए थे, पापा को खाना खिलाना, पापा से बात करना, वही सब चीज़ों में ही टाइम निकल जाता है। भाई खाना भी ले लिया, दवाई भी ले ली, अब चलता हूँ फटाफट से पापा के पास, जाके खाना भी खाते हैं और हिमांशु को दवाई भी खिलाते हैं। ऑलराइट भाई, तो खाना वाना लेके मैं आ गया हूँ आपका। और पापा इधर सोए हुए हैं, हिमांशु इधर सोए हुए हैं। हिमांशु, ओ हिमांशु, हिमांशु तेरी दवाई आ गई भाई। हिमांशु तो खाना वाना इधर रखता हूँ, फिर खाते हैं थोड़ी देर में। तो भाई हिमांशु को तो मैंने कितना ही उठा लिया ना, ये तो उठने को तैयार ही नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बुखार से ना बदन पूरा टूट रहा है बिल्कुल। जब तक ना ये खाना नहीं खाएगा
तब तक दवाई भी हम लोग नहीं खिलाते। तो चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं, और खाना खा ले भाई फटाफट से, तभी खाएगा दवाई। ऑलराइट भाई, तो टाइम हो गया आपका 5:30, और मेरे को ना जाना वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर। यार ये रोज का प्रोसेस हो गया यार आजकल, वीडियो अपलोड करने के लिए रोज अपना तेल खर्च करो, 5 से 6 किलोमीटर आगे जाओ फिर जाके वीडियो अपलोड होती है यार। तो ऑलराइट भाई, आ गए हम अपने हॉस्पिटल में अपने रूम पे। बाबा कैसे हो? बढ़िया। पापा हाउ आर यू? पापा ना उठ के बैठ के सुबह सोए हुए थे बड़े आराम से आप। तो भाई आज पापा के कुछ और टेस्ट हुए थे, जैसे कि आपका जब हमने पापा को आपका ICU में एडमिट किया था ना आपका विवेकानंद में, तो पापा का एक CT हमने वहाँ कराया था, तो वहाँ के CT में तो डॉक्टर ने बोला कि हल्का फुल्का क्लॉट है, जिसकी वजह से 12 दिन हमने आपका ICU में रखा भी था। लेकिन यहाँ जब हम लाए थे ना, तो यहाँ के न्यूरो सर्जन जो थे उन्होंने बोला था कि आपके पापा के सर में ज़्यादा कोई इशू है नहीं, तो हमने एक CT यहाँ पे भी कल करा लिया। तो ये कल एक CT कराया पापा का, तो इसकी रिपोर्ट भी आ गई है, और डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा खतरे से बाहर हैं आपके पापा अब, मतलब सर की कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको बस 5 से 7 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा कि उनका बिहेव कैसा रहता है, क्योंकि जब किसी के सर में चोट लगती है ना, तो न्यूरो वाले जो पेशेंट होते हैं उनके साथ ऐसी रहता है कि वो कैसे कैसा बिहेव करते हैं। तो न्यूरो वाली जो ये आपका रिपोर्ट आई है ये तो बिल्कुल क्लियर है, बाकी एक रिपोर्ट हमने जो आपका इन्फेक्शन की कराई थी, इससे 2 रिपोर्ट आती है, एक होती कल्चर रिपोर्ट और एक होती है आपका इमीडिएटली रिपोर्ट। इमीडिएट रिपोर्ट में तो आपका पापा का हल्का फुल्का मतलब इन्फेक्शन कम आया है, लेकिन कल्चर रिपोर्ट जो होती है वो 1 हफ्ते बाद आती है, जिसमें आपके बैक्टीरियाज को देखा जाता है, 1 हफ्ते उसमें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है पूरे सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से, तब जाके 7 दिन बाद रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में पापा जिसमें क्या आता है उसके बाद जाके ही फिर ऑपरेशन के बारे में हम सोचेंगे। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है मतलब कि आपका इन्फेक्शन नहीं होता है, तभी जाके ऑपरेशन होगा। तो आज छोटी मोटी 2 खुशखबरी है कि इन्फेक्शन कम हुआ है और न्यूरो वाले कोई शिकायत नहीं। अब एक काम करते हैं, पापा को चाय पिलाते हैं। बड़े तरीके से लाया कैंटीन से, चलती कैंटीन से लाया। चलती कैंटीन से लो। हाँ भैया जी, अभी ना मैं आपका नीचे पापा के लिए अंडे लेने गया था, कि डॉक्टर ने बोला ना पापा को ना प्रोटीन की ज़रूरत है, तो अंडा ब्रोकली तो यहाँ नहीं मिल रही, तो मैं अंडा ले आया, और पापा को ना गुन्नू का फ़ोन आया, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, पापा ने फाइनली यार गुन्नू को पहचान लिया और गुन्नू से बात कर रहे हैं। तो पापा की गुन्नू से बात चल रही है। गुन्नू कहाँ है गुन्नू? तो पापा की ना ऐसे वीडियो कॉल सबसे कराते रहते हैं, दीदी से, खैर ज़्यादा लोगों से नहीं कराते हैं, एक मम्मी से कराते हैं, एक दीदी से कराते हैं, बाकी किसी से बात नहीं कराते हैं। गुन्नू भाई, ये पापा के लिए मैं अंडे लेके आया था बाहर से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि पापा को ना थोड़ा सा अंडा प्रोटीन की जरूरत है, अब इस अंडे को ना पापा को खिला देंगे। अब कल तक ना हम पापा को दाल खिला रहे थे, जो मतलब हल्का सा पी के पापा मतलब उसको पानी की तरह पी लेते थे, लेकिन आज से हमने हल्का हल्का पापा को अंडा खिलाना शुरू कर दिया, हल्का हल्का चबाना शुरू करें, तो कल से कुछ टाइम बाद ना, 1-2 हफ्ते बाद पापा हल्का हल्के खाना भी खाना शुरू कर देंगे। कैसा हो रहा पापा अंडा? बेस्ट हो रहा है। चलो ठीक, खाओ फिर। आ करो। तो भाई जी, पापा को ना खाना खिलाते खिलाते ना कम से कम 1.25 घंटा हो गया, अब पापा एक गास खाते हैं, फिर एक गास का गप्पे लग जाते हैं, फिर उन्हें गाना सुनाना पड़ता है, तो पता कैसे खिलाते हैं खाना, आपको दिखाता हूँ मैं। पापा के साथ एक मरीज को और बैठाते हैं ऐसे रख के। हमको कब पहचानोगे तुम? तुरंत पहचानेंगे ना। बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है? पहचान लेंगे हम। बताओ मेरे पिताजी का नाम। पहचान लेंगे पागल। अरे पहचानना क्या होता है, बताओ नाम बताओ। MA इकोनॉमिक्स हो तुम? तो बताओ फिर क्या है नाम? नाम बताओ। चारु चंद्र जी संचरित किरण। लो तुमसे कह रहा हूँ पेट में दर्द होगी, तुम कह रहे हो मेरी बुआ भाग गई, क्या पूछ रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो बताओ। सुबह एक काम करना। हाँ, ग्रीन लेट्रीन। बात में हार जाते हो भाई। ग्रीन लेट्रीन किसको होती है? ग्रीन किसे होती है? पत्ता खाता है जो भी, उसको भी पीली मिट्टी होती है। तो भाई देख लिया तुमने कैसे खाना खिलाना पड़ता है, पापा को गप्पों में लगाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, उसके बाद जाके पापा खाना खाते हैं, जो कहते हैं जैसा कहते हैं वैसे में हाँ कहना पड़ता है। ऑलराइट भाई, तो पापा को खाना वाना खिला के आपका कैंटीन से अपने लिए भी खाना लेके आ गया हूँ, बट पापा ने खाना खा लिया, ये सबसे अच्छी खबर है। आज पापा ने मतलब अंडे भी खाए और दाल चावल सब खाया भाई। चलो फटाफट से हम भी खाना खाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आपका टाइम हो गया 10:30 से 11, और पापा को ना बड़ी मुश्किल से सुलाया भैया अभी ना। पापा सो चुके हैं, अब एक काम करते हैं हम लोग ना खाना खा लेते हैं, वरना ना पापा उठ जाएंगे ना तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। खाना हमारा यहाँ लग गया है। खाने में आज कुछ ये है,
और कुछ ये। तो भाई जी फाइनली अब पापा सो गए थे तो मैंने भी अब बढ़िया तरीके से नहा लिया है, मतलब अब जाके मुझे सुबह से अब नहाने का मौका मिला है। तो भाई जी फाइनली नहाने के बाद मैं आ गया बाहर की तरफ। अब जाके मैं थोड़ा सा नाइट वॉक के लिए आया था और 12:30 बजे, समझ लो आप कि भाई इस टाइम पे वॉक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पापा जब तक उठे रहते ना तब तक कुछ भी करना मतलब हो नहीं पाता है, पापा के सोने के बाद ही सब कुछ होता है। तो भाई ये देख रहे हो आप, दिन भर इस राम मूर्ति हॉस्पिटल में इतनी भीड़ रहती है ना, इस रोड पर आप चल भी नहीं सकते, और रात के टाइम पे देखो भाई बिल्कुल सुनसान हो चुका है हॉस्पिटल। चलो भाई एक काम करते हैं, अब आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तो पापा के लिए प्रे करना। बाकी चलो कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव, पापा को जल्दी अच्छा करना, रक्षा करना।